नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनंद आचार्य आप सभी को आने वाले 10 जून को विनायक चतुर्थी है, इस चतुर्थी में जो लोग गणपति को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी है। इस चतुर्थी में आप यदि व्रत करते हैं तो आपके जीवन में अनेक प्रकार का लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप यदि इस तिथि में विनायक चतुर्थी वाले दिन में यदि आप व्रत और पूजा का विधान करते हैं और पूजा करते हैं भगवान गणपति की विधि विधान के साथ, तो आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप यदि इस दिन फल जल का दान करते हैं और किसी 100 से 125 लोगों को कुछ न कुछ खिलाते पिलाते हैं जल और फल के साथ, तो अनेक प्रकार का आपको फल की प्राप्ति होती है। अब आप आइए कि विनायक चतुर्थी में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले विधि विधान के साथ जल से लेकर आरती तक पूजन अर्चना करना चाहिए। साथ अर्चना पूजन करने के बाद आपको 5 प्रकार का घी का दिया जलाना चाहिए। घी पक जलाने के बाद गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए और 5 बारी करना चाहिए। साथ ही अपने हाथ में पीला फूल, पीला फल और लाल फूल और चावल रख करके और 108 बार गंग गणपते नमः मंत्र का पाठ करते हुए उस पे चढ़ाना चाहिए, गणेश जी के अर्पण करना चाहिए। साथ ही आप 27 बारी आप अपने हाथ में पीला चावल दुर्वा रख लें और 27 बारी भगवान गणपति पर अर्पण करें। उसमें गंग गणपते नमः विघ्न विनाशक गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाएंगे तो आपके बच्चों के बुद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर में धन समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर में क्रोध इत्यादि का समाप्ति हो जाएगा, आपके घर में वास्तु दोष खत्म होने की तैयारी होगी, आपके घर में नेत्र दोष नहीं लगेगा, आपके घर में अग्नि नाम का दोष समाप्त हो जाएगा, आपके घर में नेत्र वास्तु दिशा दोष सारी समाप्त होंगे और पितृ दोष अपने आप में आपसे बहुत दूर हट जाएगा। जो विधि विधान पूर्वक व्रत के साथ, पूजा के साथ, भजन के साथ, मंत्र के साथ, दान के साथ यदि आप पूजा करती हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगा। साथ ही जिसको भी आप इस विषय के लिए सलाह देंगे उसके घर में भी सुख की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा आप करती हैं तो आपका जीवन तो सफल होता ही होता है, आपके घर में सुख समृद्धि होती है। जिसको आप सलाह देती हैं या उसको शामिल करते हैं उसके घर में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।